अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ सब हैरियत से होंगे। आज आप देख रहे होंगे कि मैं बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही हूँ। इस खुशी की वजह ये है कि आज मेरी YouTube की जो पेमेंट है वो आ चुकी है। 22 तारीख को मुझे YouTube की तरफ से मेल आई थी, आज मुझे बैंक से भी मैसेज आ चुका है कि आपकी जो पेमेंट है आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुकी है। तो बस मैं अभी निकल रही थी ATM से अपनी पेमेंट निकलवाने के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपनी YouTube फैमिली के साथ अपनी ये खुशी शेयर करूं, जिनकी दुआओं की वजह से, जिनके साथ की वजह से आज मैं यहां तक पहुंची हूं। काफी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप पेमेंट कैसे निकलवाती हैं। आज मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगी कि मैं पेमेंट कैसे निकलवाती हूँ और कौन से बैंक में मेरा अकाउंट है जहाँ पर बहुत कम कटौती होती है पैसों की, और मेरी पेमेंट कितनी आई है ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँ। छोटी सी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि कभी कभी जो है ना, मैं हिम्मत हार जाती हूँ। जब मैं छोटे बच्चों की तरफ देखती हूँ ना, मैं फिर उठकर खड़ी हो जाती हूँ। फिर जब मैं YT स्टूडियो खोलती हूँ तो आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए होते हैं, आप फिक्र कर रहे होते हैं कि आज आपकी वीडियो क्यों नहीं आई, आप मुझे बहुत सारी दुआएं दे रहे होते हैं, तो मेरी ज्यादा हिम्मत जो है ना, वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, मेरा दिल इतना बड़ा हो जाता है, और बीमारी की सूरत में मैं उठकर अपनी वीडियो बनाती हूँ, मेहनत करती हूँ और अपने काम पर जो है ना वो निकल पड़ती हूँ। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जो लड़कियाँ मेरी तरह जिंदगी में किसी भी परेशानी से दो चार हैं, आपने क्या करना है कि आपने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना, अपनी नीयत साफ रखनी है। जो भी काम करो सच्चे दिल से, लगन से करो, तो अल्लाह ताला आपको उसका सिला लाजमी देंगे। जो लड़कियाँ यूट्यूब पर आना चाहती हैं, उनके पास कोई भी हुनर है, वो अपना हुनर दिखाकर यूट्यूब से अच्छी खासी अर्निंग कर सकती हैं और जो है ना लोगों की मुताजी से निकल सकती हैं, और किसी के आगे आपको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं लोगों का कर्ज भी दे सकूंगी और जो है ना मैं अपना घर भी इस महीने अच्छा खासा चला सकूंगी, तो मेरे अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। और खासकर जो मेरी प्यारी प्यारी सी माएं मुझे बेटी कहकर पुकार कर दुआएं देती हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया। मैं और मेरे बच्चे जो है ना, आपके लिए बहुत सारी हमारी तरफ से ढेरों दुआएं। अच्छा जी, बच्चे अभी सब सो रहे हैं, सुबह 9 बजे का टाइम है और मैं जो है ना एकदम रेडी होकर निकल चुकी हूँ ATM से पैसे निकलवाने के लिए। जो आपकी YouTube की पेमेंट हो या कोई भी पैसे आपको निकलवाने हो, तो आपको चेक बुक की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उससे मुझसे एक लड़की पूछ रही थी कि YouTube की पेमेंट निकलवाने के लिए चेक बुक जरूरी है क्या, तो नहीं। बस ये आपका जो डेबिट कार्ड होता है ये, या ATM कार्ड होता है ये, इससे आप इजीली कहीं से भी पेमेंट भी निकलवा सकते हैं, शॉपिंग भी कर सकते हैं और ग्रोसरी भी कर सकते हैं। अगस्त गुजर चुका लेकिन सामने छत पर अभी तक परचम जो है वो लहरा रहा है। जब मैं घर से निकली ना, तो आमना सो रही थी। जैसे ही मैं गली में निकली तो आमना ने ऊपर से मुझे आवाज दी, कहती मम्मा रुक जाओ। जब मैं रुक गई ना, 5 मिनट के अंदर ये अबाया पहन के तैयार होके नीचे आ गई और कहती है कि मैंने आपके साथ जाना है। क्या हमारा आ गया है, चलो 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 जल्दी बैठो। पहुंच गए, उतरो। मेरा जो बैंक है वो MCB बैंक है, उसमें मेरा अकाउंट है, लेकिन आपके पास अगर डेबिट कार्ड होगा तो आप कोई भी जो ATM है उसको यूज कर सकते हैं। हम लोग ATM के पास पहुंच चुके हैं, लेकिन अंदर कोई है, जब वो बाहर निकलेगा तो फिर हम अंदर जाएंगे। अंदर अभी हम पहुंच चुके हैं, इसमें डालते हैं इस तरह से अपना कार्ड, आएंगे ओके। आप कभी भी डायरेक्ट जो अपना पिन कोड है ना, नहीं डाला करें ऐसे, आप ऊपर यहाँ पर हाथ रखा करें और उसके बाद डाला करें, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने कैमरे लगाए होते हैं। अब मैं अपना पिन कोड मिलाऊंगी, जितने भी पैसे निकालते हैं ये देखे पैसे आ गए ऊपर, आप जितना भी निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं। कार्ड हमारा बाहर आ चुका, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पैसे भी हमारे बाहर आ चुके, से मैंने ले लिए हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ सब्जी की शॉप पर आई हूँ, क्योंकि घर में जो सब्जियाँ है ना वो सारी खत्म हो गई थी, इसे खर्च करने की यहाँ से शुरुआत हो चुकी है। टमाटर जो है वो 200 रुपए के किलो मिल रहे हैं, तो आधा किलो टमाटर दे दें। तो यहाँ पर जो है ना आमना भी सीख रही है, प्याज इसको मैंने बोला कि आप लोग साफ साफ छोटे छोटे और सूखे जो प्याज है ना, वो ताकि तुम्हें भी तरीका आए ना सब्जियाँ लेने का। 1 किलो ले लो, ये ले, थोड़ी सी हरी मिर्चें भी डाल दें। सब्जियां तो मैंने सारी ले ली है, आज मेरी YouTube की इनकम आई है, मैंने कहा इसी खुशी में आज हम कुछ अच्छा बनाते हैं और अच्छा बच्चों को खिलाते हैं। तो मैं यहाँ पर आई हूँ मीट की दुकान पर और यहाँ से मैं लूंगी कीमा।
अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आज हम मोमबत्ती वाले आकर की चीजें लाई हूँ। शुक्र हम लोग घर पे पहुँच गए। आइसक्रीम लाई हूँ, ये लो एक आपकी है एक। अच्छा जी, मोहम्मद अहमद की 3-4 दिन से बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी। आज सुबह मैंने उठकर नहलाया, इनके कपड़े चेंज किए और आज इन्होंने मुझे इतने दिन के बाद बोला था हमारे लिए आइसक्रीम लाना और मैं इनके लिए आइसक्रीम लेकर आई। यहाँ पर मैं बच्चों के लिए फ्रूट्स वगैरह भी ले आई हूँ क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी। रोटी चावल वो बिल्कुल भी नहीं खा रहे। यहाँ पर 1-2 दिन की मैं सब्जी भी ले आई हूँ, आज के लिए दूध भी ले आई हूँ और आज दोपहर में बनाने के लिए मैं यहाँ पर कीमा लेकर आई। जी बाहर इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, आप देख रहे होंगे कि पसीने से हम शराबोर हो रहे हैं। हमने बना लिया, खा लिया। आज हमने बनाया था आलू कीमे का बहुत ही मजेदार सा सालन और साथ में चपातियाँ। अच्छा जी, खाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए लेट गई थी। एक तो गर्मी ज्यादा थी, ऊपर से मैं सुबह सवेरे की उठी थी, बहुत ज्यादा थक गई थी और लाइट भी नहीं थी। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है तो मैं बच्चों को लेकर यहाँ ऊपर छत पर आई हूँ। यहाँ पर इतनी मजे की ठंडी हवा चल रही है तो मैंने सोचा कि आप सबको बता देती हूँ कि आज मेरी यूट्यूब की जो पेमेंट है वो कितनी आई थी और उसके साथ ही जो है ना इस ब्लॉग का मैं एंड भी करती हूँ। आप सबको मैंने बताया था कि जब भी मेरी YouTube की पेमेंट आती है तो मैं अकेली ही हूँ घर को चलाने वाली। उसमें से मैं घर पर भी खर्च करती थी, बिल वगैरह भी देती थी और साथ ही जो मेरे मकान की जो किस्तें हैं ना मैं वो भी अदा करती थी। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे इस घर की लास्ट पेमेंट है। ये मेरे हाथ में 30,000 रुपये है। आज मैं ये लेकर स्टेट एजेंसी पर गई थी लेकिन बिल्डर नहीं था वहाँ पर। वो कल आएगा तो कल ये पैसे मैं उसके हाथ में दूंगी, फिर वो फाइल बनाएगा और मकान मेरे नाम पर कर देगा। अच्छा जी, ये पैसे बिल्डर को देने के बाद मेरे पास कुछ इतने पैसे बचे हैं कि मैं कोशिश करूंगी कि अगली पेमेंट आने तक उनसे मैं घर भी चलाऊं और अल्लाह करे कि इस बार जो मेरा बिजली का बिल है ना वो कम आए। क्योंकि पिछली बार मैंने 20,000 रुपये घर के बजट के लिए, राशन के लिए, बच्चों के दूध के लिए, सब्जी के लिए रखे थे लेकिन 15,000 रुपये मेरा बिल आ गया था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा मुश्किल से मैंने टाइम पास किया है। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी इतनी पेमेंट आई है कि मेरे जितने भी छोटे मोटे कर्ज थे मैंने वो अदा किए हैं, घर के खर्च के लिए भी मैंने पैसे रखे हैं। तो डायरेक्ट तो मैं आपको नहीं बता सकती कि कितने हजार आए हैं, कितने लाख आए हैं कि क्योंकि ये यूट्यूब की जो पॉलिसी है ना उसके खिलाफ है। अगर आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक लाजमी करना। मैं आपसे मिलूंगी किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।